तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्वैगी आदि यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अधिराज। तो कैसे सभी लोग, आई हो आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं अभी वॉइस ओवर नहीं कर रहा हूं, मैं गेम खेलते खेलते आपसे बातें कर रहा हूं, तो कुछ गलती हो जाएगी, मतलब कुछ गलती होगी तो मतलब भूल हो जाएगी, मतलब गलती हो जाएगी। अरे कहना क्या चाहते हो? तो समझ जाना भाई की जिद पर। आज की भी गेम खेलते खेलते कर रहे हैं, वॉइस ओवर नहीं हो रहा आज तो। मैं चलो आज की वीडियो अब स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग आपको बताने वाले टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो कि फास्ट ग्लोबल कैसे लगा। आज देखो मैं अभी फास्ट ग्लोबल लगाऊंगा, ऐसे मारो और ये देखो ऐसे ये फास्ट ग्लोबल कैसे लगाए। तो ये फास्ट ग्लोबल लगाने का ट्रिक मैं आज आपको बताने वाला हूँ, तो आप लोग समझ जाना ब्रो कि मैं एक बार और आपको दिखाता हूँ ये किसने मारा। जाने दो, आपको दिखाता हूँ कैसे फास्ट ग्लोबल आप लगा सकते हो। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आपको करना क्या पड़ता है, कुछ ट्रिक्स। ये देखो तुरंत ही बैठा ग्लोबल लगा लिया। तो यही चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि आज करना क्या होता है, मतलब करना क्या होता है ये ट्रिक करने के लिए, टिप्स एंड ट्रिक्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको आ जाना अपने कंट्रोल पर, और कंट्रोल पर आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको जो है ये यहाँ पे प्रेजेंटेशन टू है, ये मेरा प्रेजेंटेशन है जो मैंने बनाया है। जैसे और मैं आपको आज प्रेजेंटेशन टू में बताऊँगा क्या क्या आपको कंट्रोल पर रखने। सबसे पहले आपको थर्ड फिंगर की प्रैक्टिस करनी होगी। आप थर्ड फिंगर, जब तक आप थर्ड फिंगर नहीं करोगे तब तक आपका फास्ट ग्लोबल लगेगा ही नहीं, कभी नहीं लगेगा फास्ट ग्लोबल जब तक आप थर्ड फिंगर की प्रैक्टिस नहीं करोगे। सबसे पहले आपको यहाँ से ये टी शर्ट वाले को हटा लेना है, इस दोनों को आपको इस जगह पर रख लेना है, कहीं पे आप रख दो जहाँ आपका मूड। और इसको जो है आपको स्पीकर के आगे रखना है, स्पीकर के आगे देखो एकदम सेट कर दो, स्पीकर के आगे लो सेट हो गया। अब आपको जो है क्या करना है, लो मैंने स्पीकर के आगे सेट कर दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से जो ये है इसे आपको क्या करना है, इसे आपको 40 और 45 के अराउंड ही रखना है, 40 और 45 के अराउंड रख दिया मैंने। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपको ये फायर बटन 45 के अराउंड रख दिया। इसको जो है इसको एकदम इसी जगह पे लाना है, एकदम फायर बटन के एकदम नीचे में इस जगह पे लाना है। आपको जहाँ सेट हो सकता है आप कर दो, इसको सेट करके इस जगह पे लाना है। और आपको इसके बाद इसको कर देना है 40 से 45, इसको भी कर देना है। ये देखिए यहाँ से मैं 44 कर रहा हूँ। उसके बाद आपको एक बार सेट करके दो सेट करना है, ऐसे करके यहाँ पर एक सेकंड रुक जाओ, मैंने इसे ग्लोबल लगाया इस जगह पर गया, तो आपको मैंने यहाँ पर ऐसे सेट कर दिया। अब आपको यहाँ से सेव कर देना है। अब देखो मेरे पास दो ग्लोबल है, ये देखो मैंने मारा। अरे भाई थोड़ा सा बेइज्जती हो गया, लेकिन कोई गजब बेइज्जती है, कोई बात नहीं, फैलेंगे खेत की बाकी थी बंदे की, ख़त्म करने के बाद ही ग्लोबल लगाएंगे हम। तो आपको जैसे लगाना है लगा दो। देखो ये बंदा आया, देखो मैंने लगा दिया, कितनी फास्ट ग्लोबल लगाया। और वही आप देख लो, अगर मैं इस कंट्रोल में नहीं खेलूँगा तो देखो क्या होगा मेरे साथ। देखो मैं अभी बताता हूँ आपको, अब देखो मैं वहीं पर ये वाले कंट्रोल पर खेल रहा हूँ, मैंने इसे मारा, देखो कितना लेट लग रहा है मेरे से ग्लोबल, पहले से जल्दी नहीं लग रहा है। देखो मैं ऐसे भी मारूंगा अभी, ये देखो ऐसे ऐसे मारा, देखो कितना लेट लग रहा है मेरे से ग्लोबल। तो आप समझ ही गए होंगे कि आपको मतलब थर्ड फिंगर की बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग ग्राउंड में थर्ड फिंगर की प्रैक्टिस करते रहो, समझ रहे हो ना, ट्रेनिंग ग्राउंड में थर्ड फिंगर की प्रैक्टिस करते रहो और ग्लोबल को ऊपर की साइड पर रखो, इससे क्या होगा आप इजीली मतलब ग्लोबल लगा पाओगे। थर्ड फिंगर में ग्लोबल को रखो। तो चलिए, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल इस वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, सपोर्ट दिखाओ यार, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।